क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. अगेन सेम टाइप व्हेन वन पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे हैं व्हेन वन पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट. आज हम इस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं. नेक्स्ट पीरियड में हम टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे एंड देन ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होंगे तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा. तो देखते हैं क्वेश्चन को. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कदम शिंदे एंड चव्हाण एज ऑन 31st March 2019. दे वेयर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/6 एंड 1/3. सबसे पहले तो रेशियो के लिए डिनोमिनेटर्स को इक्वल होना जरूरी होता है. डिनोमिनेटर्स को इक्वल आपको करना है तो भी हम न्यूमरेटर का रेशियो ले सकते हैं. अगर गिवन क्वेश्चन का जो मैं रेशियो देखती हूँ दैट इज 1/2, 1/6 एंड 1/3 सबके डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल. तो सबसे पहला काम रहेगा कि इन डिनोमिनेटर्स को हमको इक्वल करना पड़ेगा और फिर न्यूमरेटर का रेशियो लिया जाएगा. 1/2, 1/6, 1/3 इट डजंट मीन कि रेशियो इज 1:1:1. नो, रेशियो तब लिया जाएगा न्यूमरेटर का जब डिनोमिनेटर्स इक्वल है. बट मैं डिनोमिनेटर देखती हूँ यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, अनइक्वल है. तो सबसे पहला काम है कि इस डिनोमिनेटर को इक्वल करो. तो इक्वल करने के लिए इनमें सबसे पहले देखो हाईएस्ट कौन सा नंबर है. अगर मैं चेक करती हूँ 2, 6, 3 इसमें हाईएस्ट नंबर इज 6 तो हमें सारे डिनोमिनेटर्स में 6 ही चाहिए. तो जो मिडिल वाला है वो तो 6 है यानी इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. बट जो 2 है इसको मुझे 6 करना पड़ेगा, जो 3 है उसको मुझे 6 करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि जो 2 है उसको कट कर दिया और 6 कर दिया. नहीं, 2 को 6 कैसे कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 3 6. तो मुझे इस डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब तब जाके ये डिनोमिनेटर होने वाला है 6. तो मैंने अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो कंपल्सरीली हमें न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो मैं न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, डिनोमिनेटर को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी. जो 1/2 दिया है उसके न्यूमरेटर में 1 है तो 3 × 1 तो इसका न्यूमरेटर बन जाएगा 3. 3 × 6 इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा 6. तो जब भी डिनोमिनेटर्स अनइक्वल है तो सबसे पहला काम करना है कि आपको इस डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है. इक्वल करने के लिए जो हाईएस्ट नंबर होगा वो हमें सारे डिनोमिनेटर्स में लगेगा. तो हाईएस्ट नंबर 6 है तो हमें सारे डिनोमिनेटर्स में लगेगा 6. तो 6 डिनोमिनेटर्स में लाने के लिए जो आपको गिवन रेशियो दिया है इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा. जो 2 है उसको 6 करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर हम डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी, रूल है कि हमें न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये बन गया 3/6. यहाँ डिनोमिनेटर में सेकंड नंबर के पार्टनर का 6 है और हमें चाहिए भी 6. तो मुझे इसका कोई भी चेंज यानी इसको मुझे कोई भी मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रखना पड़ेगा. तो न्यूमरेटर को भी मुझे 1 ही रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसको कोई चेंज करना नहीं है. फिर नेक्स्ट रेशियो अगर मैं देखती हूँ तो इसके डिनोमिनेटर में 3 है बट मुझे कितना चाहिए, 6 चाहिए. 3 को 6 कैसे किया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 3 × 2 = 6. तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ डिनोमिनेटर को तो कंपल्सरीली हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2. तो इसको हमें 2 न्यूमरेटर एंड 2 डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 1 × 2 एंड 3 × 2 दैट मींस 2/6. अब देखो सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं तो न्यूमरेटर का रेशियो लिया जाएगा दैट इज 3:2, 1:2 यानी इस क्वेश्चन में रेशियो इज 3:1:2. हमें हमेशा आदत होती है 3:2:1 की बट यहाँ रेशो कैसा है 3:1:2. देखो सबको समझाएंगे तो रेशो इज 3:1:2. आगे बढ़ते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 ऑन द लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ कदम शिंदे देन जनरल रिजर्व
कदम स्लो, यस कदम इज पार्टनर, पार्टनर का लोन दिया है तो हमें कंपल्सरीली पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. वेदर इट इज गिवन इन क्वेश्चन, भी ओपन करो मत करो जो भी रहेगा आपको क्वेश्चन में ओपन करना है. इशिका का डाउट था जब मुझे बोला ही नहीं है कि कदम्स लोन ओपन करना है, बट फिर भी पार्टनर से रिलेटेड हम सारी एंट्रीज ओपन करते हैं, सारे अकाउंट्स ओपन करते हैं, तो हमने कदम पार्टनर होने के कारण हमने ओपन किया है कदम लोन अकाउंट. नाउ नेक्स्ट, सेंडरी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ऑन द एसेट साइड, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल बैंक पी एंड एल अकाउंट एंड चौहान्स कैपिटल. चौहान्स कैपिटल असेट भी दिया है, सबको मालूम है कि असेट भी क्यों है. आगे बढ़ते हैं. ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्वड एंड द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स एंड गुडविल. कदम टुक ओवर फर्नीचर एंड स्टॉक एट 30,000 एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹750. शिंदे टुक ओवर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल इन फुल एंड पेड बिल्स पेएबल इन फुल रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस. चौहान बिकेम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट. क्या करना है देखते हैं. अब सबसे पहला स्टेप विदाउट मेरी हेल्प आप आराम से कर सकते हो. क्या होती है फर्स्ट स्टेप, बैलेंस शीट को आंसर में ट्रांसफर करो. जो लाइबिलिटीज है वो क्रेडिट में, जो असेट है वो डेबिट में, जो अकाउंट्स ओपन किए हैं उनके बैलेंसेस रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे. जिसका अकाउंट मैंने ओपन नहीं किया बैलेंस शीट में से, वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यस इन रियलाइजेशन अकाउंट. सबसे पहले पोस्ट करो लायबिलिटी असेट, रुक जाओ, चार्ट एंड एंट्रीज हम साथ में करते हैं एंड इंसॉल्वेंसी पार्ट भी हम साथ में करते हैं. सब बैलेंस शीट को आंसर में ट्रांसफर करो विद इन 3 मिनट्स, जल्दी से.
आंसर में आ चुकी है। अगर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, लायबिलिटी में दिया है कैपिटल अकाउंट ऑफ कदम शिंदे, रिस्पेक्टिव बैलेंसेस रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं, देन जनरल रिजर्व यस इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दैट्स व्हाई इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 3:1:2। लायबिलिटी में दिया है जीरो, द क्रेडिट साइड हमने ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व, देन कदम्स लोन हमने सेपरेटली अकाउंट ओपन किया है तो हमने लोन बैलेंस ट्रांसफर किया है लोन अकाउंट में, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दिस टू आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज दैट्स व्हाई दिस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, देन असेट्स बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल ऑल दीज आर रियलाइजेबल असेट्स दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। Yes, bank separately account open किया है तो bank balance हमने transfer किया bank account में, P&L account yes profit and loss account assets में दिया है that means this is it is accumulated loss losses and profits partners में ही distribute होते हैं, इसलिए P&L का balance assets में दिया है इसलिए हमने transfer किया on the debit side, then Chauhan's capital as it is given on the asset side Chauhan के हमने डेबिट में ट्रांसफर किया। ठीक, ये पैटर्न होता है लिखने का कि बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज ओपनिंग बैलेंस हमेशा फर्स्ट लाइन में आता है इसलिए हमने इसको फर्स्ट लाइन में रिपोर्ट किया। देन नेक्स्ट, अब हम प्रिपेयर करते हैं चार्ट फॉर असेट एंड चार्ट फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब असेट्स के सारे अकाउंट्स हम क्लोज कर दिए हैं, लायबिलिटीज में जितने भी अकाउंट्स थे वो क्लोज हो चुके हैं और उनको एक जगह हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ से एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन असेट्स को सेल किया जाएगा एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। तो कितनी असेट्स रियलाइज्ड हुई, लायबिलिटीज को हमने कितने में पे ऑफ किया, इसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा चार्ट। तो अंडर बैंक अकाउंट देखेंगे सभी, फर्स्ट वर्किंग नोट फॉर असेट्स राइट डाउन बैंक अकाउंट के नीचे फर्स्ट वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे फॉर असेट। डिवाइड असेट्स इन टू पार्ट्स, सोल्ड और रियलाइज्ड एंड टेकन बाय पार्टनर। कौन से असेट रियलाइज हुए ये सबको आता है, कौन से असेट्स पार्टनर ने टेक ओवर की आता भी है, फिर भी आप मेरे साथ ही कंप्लीट करेंगे चार। देखते हैं ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्वड एंड असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर बिल्डिंग मशीनरी डेटर्स एंड गुडविल। तो जो रियलाइज लिखा है तो ये कोई भी असेट टेकन बाय पार्टनर नहीं दिया है, तो हम लिखते हैं रियलाइज के अंडर बिल्डिंग। अमाउंट ऑफ बिल्डिंग इज 27,000, then next is machinery 18,000, debtors 7,500, then goodwill 1,350, these are assets realized diya hua hai। then second कदम took over furniture and stock at ₹30,000। एक बार इसको समझो, कदम took over है, कदम ने दो assets take over की है, that means firm ने कदम को stock and furniture sell किया। दो separate assets sell की जाएगी but दोनों की sale value आपको combined दी है that is 30,000। तो ये 30,000 दोनों असेट का सेल वैल्यू है, इसमें स्टॉक का सेल वैल्यू कितना है, फर्नीचर का सेल वैल्यू कितना है हमें नहीं मालूम, तो इसको हम क्या 50-50 करेंगे क्या, नहीं, जो जैसे दिया है फर्नीचर एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय कदम एट 30,000 तो हम डायरेक्टली एंट्री भी रिकॉर्ड करेंगे 30,000 से ही। तो असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर में हम लिखेंगे कदम, कौन से दो असेट टेक ओवर की है, कंबाइंड करके टेक ओवर की है फर्नीचर एंड स्टॉक, दोनों की रियलाइज्ड वैल्यू आपको दी है 30,000, तो हमें 30,000 से ही एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डन, आगे एंड एग्री टू पे क्रेडिटर्स, जब लायबिलिटीज करेंगे तब देखेंगे। शिंदे टू ओवर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ये असेट है, दिस असेट्स
दिस असेट इज टेकन ओवर बाय शिंदे. तो हम रिकॉल करते हैं टेकन बाय पार्टनर के नीचे शिंदे एंड उसके नीचे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल. कितने ने टेक ओवर किया है बिल्स रिसीवेबल एट 7800. That is realized value and paid bills payable in full. Bills payable liability है. तो जब liability का chart prepare करेंगे तब हम इसको record करेंगे. Dissolution expense हम liabilities के chart में record करते हैं. चौहान become insolvent इससे last में किया जाता है. तो अब हम record करते हैं realized की entry in our ledger account. सबसे पहले एक total of assets realized. कितने में पे हुआ, फुल पेमेंट हुआ, डिस्काउंट पे हुआ, दिया हुआ है,
creditors at a discount of 750. Discount में pay किया, discount से value कम होती है, तो देखो creditors total कितने हैं 18750, but इसको हमने discount consider करके payment करना है, तो discount से value कम होती है, तो discount हमने किया minus, that means कदम paid creditors to creditors at 18000, ठीक? Then next third point. Shinde took over bills receivable, ये asset था, and paid bills payable in full. Shinde ने pay किया है bills payable, तो paid by partner में हम लिखेंगे bills payable, but कोई discount पे pay नहीं हुआ, full यानी 11,250 total amount paid by Shinde. Done. Next is resolution expenses amounted to 2,400. इसको तो पहले pay off करना ही पड़ता है. पर किसने पे किया, कदम, शिंदे, चव्हाण, कुछ भी मेंशन नहीं है, that is paid by firm, resolution expenses. How much amount is 2,400? Last entry तो हम सबसे last की करेंगे, तो हमें इस liabilities के चार से तीन entries करनी है, paid by firm, then कदम paid creditors, creditors and शिंदे paid bills payable, तीनों liabilities का entry means payment की entry, pay कर रहे हैं, चाहे अपने pocket से pay करो या partner pay करो, firm की liability थी ना, that means it is expense for the firm and expense है, तो ये तीनों entries हम record करेंगे, yes, on the debit side 2,400, 18,000 and 11,250, first 2,400 paid by firm, firm का पूरा amount deposit है bank में, इसके सामने लिखेंगे to bank as per working note, right? Realization पे debit में हमने लिखा है to bank, तो bank के credit में लिखेंगे by realization account 2,400. Then 18,000 liability paid by Kadam, इसके आगे लिखते हैं to Kadam's capital account as per working note. Shinde ने pay किया है, तो इसके आगे लिखेंगे to Shinde's capital account as per working note. Realization के debit में लिखा है to Kadam to Shinde, तो हमें capital account में भी post करना पड़ेगा on the credit side. And debit है तो हम लिखेंगे credit by realization account. कदम फर्स्ट पार्टनर है, शिंदे सेकंड पार्टनर है, बराबर अमाउंट हमें रिस्पेक्टिव फॉलोअप में पोस्ट करने पड़ेगा. नाउ आफ्टर पेइंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज हम अब पे करेंगे पार्टनर्स को, बट पार्टनर्स के कैपिटल वापस करने के पहले चेक करते हैं क्या हमने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ था क्या. अगर मैं चेक करती हूँ यस हमने लोन अकाउंट ओपन किया है, यानी हमने पार्टनर का लोन लिया हुआ है, तो ये लोन को सबसे पहले पे ऑफ किया जाएगा और फिर उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल्स को हमें वापस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम पे करेंगे लोन. हमें लोन कदम से लोन दिया था हमने 11,250 का, क्या हमारे पास सफिशियंट कैश है क्या उसको लोन पे करने की. अगर मैं चेक करती हूँ यस सफिशियंट कैश है, हम पूरा लोन पे ऑफ कर सकते हैं, तो इस पे लोन को पहले पे ऑफ. कितने में पे ऑफ हुआ लोन, या कोई इंटरेस्ट के साथ पेमेंट हुआ और या कोई डिस्काउंट में पे हुआ या फुल्ली पे किया, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है. दैट मींस हम अज्यूम करेंगे कि ये पूरा का पूरा पे ऑफ हो चुका है. तो 11,250 हमें पूरा कदम को लोन के अगेंस्ट पहले पेमेंट करना पड़ेगा. फर्म पे करेगी तो फर्म के पॉकेट से पैसा बाहर जाएगा, दैट मींस कैश इज गोइंग आउट, बट इंस्टेड ऑफ कैश बैंक अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट 11,250. और ये 11,250 हमने किसके अगेंस्ट पे किया है, लोन के अगेंस्ट, तो लिखते हैं बाय कदम्स लोन अकाउंट. अगर हम बैंक के क्रेडिट में लिखते हैं बाय कदम्स लोन, तो कदम्स लोन के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट 11,250. अगर मैं चेक करते हैं लोन दिया 11,250, पे भी कर दिया 11,250, तो कदम्स लोन अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है, वो कैरी हो चुका है. अब आफ्टर रीपेइंग लोन
जून अब बारी है पार्टनर्स की कैपिटल की। बट कैपिटल को रिफंड करने के लिए रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना जरूरी रहेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हमें पहले उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर उनको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में हमने उसे कैलकुलेट किया था, दैट इज 3:1:2। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस, ट्रांसफर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और रुक जाओ इंसॉल्वेंसी। आज हम एक बार वापस रिवाइज करेंगे, तो करेंगे सभी रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज। डेबिट टोटल इज 1,39,650, बैलेंस इज 18,000। इस 18,000 को हमने 3:1:2 में डिवाइड किया, 9,000, 3,000, 6,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ क्रेडिट में हमने बैलेंस को रिकॉर्ड किया। अब सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन में और बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करते हैं, बट ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसका अकाउंट सबसे पहले क्लोज किया जाएगा, बैलेंस को कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है इस क्वेश्चन में, चौहान। तो चौहान का सबसे पहला अकाउंट क्लोज किया जाएगा, तो हम टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ चौहान्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ चौहान्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम डेबिट की टोटल देखते हैं डेबिट का टोटल इज चौहान्स, डेबिट टोटल इज यस 19,500, क्रेडिट का टोटल ऑफ चौहान इज 6,000।
दोनों साइड की टोटल सेम नहीं है, बैलेंस है। कितना बैलेंस जो हमारा स्टैंडर्ड अकाउंट में शो हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 13,500। नाउ ध्यान सबका, ये बैलेंस हमें कुछ कहता है, क्या कहता है ये बैलेंस? या तो डेबिट बैलेंस है नहीं तो क्रेडिट बैलेंस है। अब ये बैलेंस डेबिट है क्रेडिट है तो हम देखेंगे चौहान ने किस साइड की टोटल ज्यादा थी, डेबिट की टोटल ज्यादा थी। दैट मींस चौहान्स कैपिटल अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन। डेबिट बैलेंस यानी रूल के अनुसार ही उसको मुझे डिसीजन में फिट करना है। रूल कहता है कि चौहान पर्सनल अकाउंट है तो इसको पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू मनी इज पेबल। एज चौहान्स कैपिटल अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस दैट मींस दिस अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम चौहान एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ये अमाउंट फ्रॉम को डिसोल्यूशन के समय चौहान से रिसीवेबल है। कैपिटल हम वापस करते हैं बट चौहान के केस में अपोजिट बैलेंस आया है, चौहान को देना नहीं है बल्कि चौहान से अमाउंट इज रिसीवेबल। क्यों ऐसा अपोजिट बैलेंस आया? क्योंकि हो सकता है चौहान ने फॉर्म में विड्रॉल ज्यादा किए होंगे, तो ये बैलेंस को रिसीवेबल हम मानेंगे क्योंकि डेबिट फ्रॉम मनी इज रिसीवेबल, हमें चौहान से लेना है। बट चौहान डिक्लेयर्ड एज इंस्टॉलमेंट, जो पर्सनल इंस्टॉलमेंट होता है उसके स्टेट से जितना भी अमाउंट आपको रिकवरेबल है वो फुल अमाउंट आप रिकवर नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत पैसा मिलने की आशा रहती है। क्या थोड़ा बहुत पैसा मिला, कितना अमाउंट रिकवर हुआ? जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया था 50 पैसा एनएलपी यानी 50% रिकवर हुआ, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? चौहान डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, लास्ट पॉइंट देखो, एंड नो अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, उसकी स्टेट से फर्म को एक भी अमाउंट मिलने वाला नहीं है, यानी रिसीव कुछ भी नहीं रहेगा, यानी टोटल अमाउंट 13,500 हम चौहान से कभी भी रिकवर कर ही नहीं सकते। टोटल अमाउंट रिकवरेबल चौहान से थी 13,500, तो लिक्विडेटर ने सब कैलकुलेशंस किए और हमारे फॉर्म को बताया कि उसके स्टेट से आपको एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं। तो 13,500 चौहान से आपको मिलेंगे ये भूल जाओ, तो फॉर्म का हुआ ये लॉस। बट इस लॉस को भी लॉस फ्रॉम ने दे दी, इस लॉस को क्या कहते हैं? यस, कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी यानी उसके पास पैसे ही नहीं, तो ये कैपिटल डेफिशिएंसी किसी ना किसी को बेयर करनी पड़ेगी। कौन बेयर करेगा? कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो ये सॉल्वेंट पार्टनर्स में मुझे ये लॉस को, ये कैपिटल डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ ऐसा नहीं है ना, दैट मींस रिमेनिंग पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। कौन है रिमेनिंग पार्टनर्स? कदम एंड शिंदे। तो ये 13,500 मुझे कदम एंड शिंदे में डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे तो मुझे रेशियो लगेगा। इक्वली नहीं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:2 ऐसा दिया है, बट मुझे इसमें किस तीनों में डिवाइड करना है कि सिर्फ सॉल्वेंट यानी कदम एंड शिंदे में? कदम एंड शिंदे में तो चौहान और पार्टनर है तो रेशियो बढ़ गया, तो कदम एंड शिंदे के बीच में कितना रेशियो है? 3:1। तो 13,500 हम डिवाइड करेंगे 3/4, इन दोनों का रेशियो का टोटल 3+1 एंड 13,500 इंटू 1/4 कैलकुलेट करेंगे सभी। कदम शेयर इन कैपिटल डेफिशिएंसी एंड शिंदे शेयर इन कैपिटल डेफिशिएंसी। तो ये लॉस कौन बेयर करेगा? कदम एंड शिंदे। तो कदम को फर्म कहेगा
करेगी कि आपको हमें जितना भी पैसा देना है उसमें से 10125 आपको बेयर करने पड़ेंगे। ये 10125 हम आपको दे ही नहीं सकते क्योंकि चौहान ने पैसे देने चाहिए पर उसने नहीं दिए, तो हम आपको ये 10125 नहीं दे सकते। शिंदे को हम कहेंगे जितना भी हमें आपको पेएबल है उसमें से 3375 का लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। बेयर करना यानी क्या कि ये अमाउंट हम आपको पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो चौहान ने देने चाहिए थे पर चौहान भी नहीं दे रहा है तो आपको ये लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो ये एंट्री मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कदम का शेयर है तो मुझे इसको कदम अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। शिंदे का शेयर है तो मुझे इसको शिंदे में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किस अकाउंट का ये बैलेंस है चौहान के, तो मुझे ये एंट्री चौहान अकाउंट में शो करनी पड़ेगी। अगर मैं चेक करती हूँ तो इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कोई भी अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। यानी ये एंट्री मुझे चौहान में करनी है, ये एंट्री मुझे कदम में करनी है, ये एंट्री मुझे शिंदे में करनी है। किसी अकाउंट को डेबिट, किसी अकाउंट को क्रेडिट। अब किस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना, सबसे पहले कि किस अकाउंट का बैलेंस चौहान, तो ये एंट्री मुझे चौहान अकाउंट में सबसे पहले पोस्ट करनी पड़ेगी। तो चौहान के डेबिट के टोटल ज्यादा थे ना, यानी ये बैलेंस मुझे कहाँ रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, क्रेडिट में 10125 एंड 337। उसके स्टेट से कुछ भी नहीं मिला है तो रिसीव्ड की कोई एंट्री पास ही नहीं होगी। डायरेक्टली ये कैपिटल डेफिशिएंसी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी कदम एंड शिंदे में। फर्स्ट स्टेप कदम का है तो हम इसके आगे लिखेंगे बाय कदम कैपिटल। सेकेंड शेयर शिंदे का है तो हम इसके आगे लिखेंगे बाय शिंदे कैपिटल। अगर मैं चौहान में लिखती हूँ बाय कदम बाय शिंदे तो मुझे इन दोनों में भी पोस्ट करना पड़ेगा। यहाँ क्रेडिट है तो इन दोनों के डेबिट में कदम शेयर इन कदम कॉलम, शिंदे शेयर इन शिंदे कॉलम। कहाँ से आया, चौहान अकाउंट से। तो लिखेंगे तुम चौहान कैपिटल करिए एंट्री करके अगर आप देखते हैं तो चौहान कैपिटल अकाउंट आपका टैली हो चुका है। जितना भी अमाउंट था वो ला नहीं सकता तो ये ट्रांसफर किया हमने सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ क्लोज सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। इसके दोनों 31950। इसके आगे हम लिखेंगे टू बैंक क्योंकि ये बैलेंस मुझे बैंक पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। As this amount is paid, ये हमें pay करनी पड़ेगी partners को। तो partners capital account में हमने लिखा है कि bank bank के credit में कदम का share कदम के नाम से रहेगा by कदम's capital, शिंदे's share रहेगा शिंदे के नाम से शिंदे's capital and take the total of bank account same way। Yes, 58,350 is the total of bank account. Now, आज के क्वेश्चन में रेशियो को हमने आज कैलकुलेट किया, डिनोमिनेटर अनइक्वल थे तो हाउ टू कैलकुलेट न्यूमरेटर, तो हमने आज देखा कि रेशियो कैसे कैलकुलेट करना। देन जो पार्टनर ने इंस्टॉलमेंट हुआ उसके स्टेट से हमें एक भी अमाउंट रिकवर नहीं हुई, टोटल कैपिटल डेफिशिएंसी को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, जो भी डाउट्स है लाइफ में डिस्कस करते हैं, तो आ जाएंगे सभी लाइव क्लास में। थैंक यू।